कुमार बकुलभाई पटेल खाटीपुरा अनुपम प्राथमिक विद्यालय तहसील विजापुर जिला मेहसाणा साइंस फेयर 2020-21 के अंतर्गत मेरे विद्यालय की दो छात्राएं प्रजापति चेल्सी और रबारी मेसवा दोनों ने कई एजुकेशनल गेम्स बनाए हैं जिसके बारे में आगे वो दोनों ही बताएंगे। मेसवा नमस्कार, मेरा नाम रबारी मेसवा बाहुबाई है। मैं कक्षा 8 में पढ़ती हूँ। मेरी सहेली चेल्सी के द्वारा मैंने भी कोडिंग सीखी है जिसकी आगे की जानकारी मेरी साथी चेल्सी देगी। कोडिंग के माध्यम से कुछ नया सीखकर उसका उपयोग हम शिक्षा में कैसे कर सकते हैं, आगे की पूरी जानकारी इस प्रकार है। नमस्कार, मेरा नाम प्रजापति चेल्सी मेहुल कुमार, मैं कक्षा 7 में पढ़ती हूँ हाथीपुरा अनुपम प्राइमरी स्कूल। विज्ञान गणित पर्यावरण प्रदर्शन 2021 में विभाग 3 में हूँ। आदान प्रदान हो सके ऐसा सॉफ्टवेयर। मेरी कृति का नाम है MIT स्क्रैच सॉफ्टवेयर के माध्यम से शिक्षा। उपकरण सामग्री है कंप्यूटर या लैपटॉप, स्क्रैच ऑफलाइन ऑनलाइन फ्री सॉफ्टवेयर। तैयार करने की पद्धति, सबसे पहले अपने कंप्यूटर या लैपटॉप पर कोई भी एक वेब ब्राउजर खोले, उसके सर्च बॉक्स में scratch.mit.edu टाइप करें, ऑनलाइन इस्तेमाल के लिए अकाउंट बनाएं, यूजर नेम और पासवर्ड से लॉगिन करें और किसी भी तरह के एजुकेशनल गेम्स बनाएं और एनिमेटेड कहानी बनी जा सकती है। जिनके पास इंटरनेट नहीं है वे MIT स्क्रैच के ऑफलाइन सॉफ्टवेयर को भी डाउनलोड कर सकते हैं जिसे इंटरनेट कनेक्शन के बिना इस्तेमाल किया जा सकता है। यह आप देख सकते हो कि यह स्क्रैच के कोड्स है और यह उसका आउटपुट है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि जो मैंने स्क्रैच में गेम्स बनाई है वो। मेरी पहली गेम है मैथ रेसिंग गेम, तो इसे मैं स्टार्ट करती हूँ। यहाँ पे लिख रहा है वेलकम टू माय मैथ रेसिंग गेम और यहाँ पे मेरी क्रिएटेड इंफॉर्मेशन दी गई है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे दो स्प्राइट है, एक कैट और दूसरा डॉग, और ये एक रेड एंड लाइन है। ये कैट है, ये स्प्राइट मूव कर रही है, बट ये जो डॉग है वो मूव नहीं कर रहा है। इसने हमें क्वेश्चन पूछा है कि 4 4 कितना होता है, तो यहाँ पे मैं दे रही हूँ 1616 और यहाँ पे राइट दबा रही हूँ। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि हमारा जवाब सही है और उसने हमें दूसरा क्वेश्चन पूछा है 7 3 कितना होता है, तो मैं यहाँ पे कर रही हूँ 21। तो ये आगे मूव हो रहा है और उसने कहा है कि हमारा जवाब सही है, लेकिन जब यहाँ पे मैं उसका गलत आंसर दूंगी जैसे कि 6 3 12 देती हूँ, तो यह कह रहा है कि हमारा आंसर गलत है और उसने सही आंसर हाईलाइट करके दिया हुआ है और वो मूव नहीं कर रहा है। तो जब ये हमारा जो ये ऊपर का स्प्राइट है वो पहले रेड लाइन को टच कर जाएगा तो हम ये गेम हार जाएंगे, बट जो ये हमारा स्प्राइट है वो यहाँ पे रेड लाइन पे टच कर जाएगा तो हम ये जीत जाएंगे। फिर ये मेरी दूसरी गेम है मैथ्स गेम, इसको मैं यहाँ पे नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर रही हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो ये प्लस और माइनस है, अब इसको मैं नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर रही हूँ। तो यहाँ पे मुझे दो स्प्राइट मूवमेंट करते हुए मिल रहे हैं और यहाँ पे मुझे प्लस और माइनस दो ऑप्शन दिया गया है, तो यहाँ पे मैं प्लस पर क्लिक कर रही हूँ। यहाँ पे बैक बटन है तो मैं बैक बटन पे क्लिक करूंगी तो मैं अपनी अगली स्क्रीन पे चली जाऊंगी। ये आप देख सकते हो कि ये जो स्प्राइट है वो मूवमेंट कर रहा है। जब मैं उसे क्लिक करती हूँ तो इसने हमें क्वेश्चन पूछा है कि 3 + 3 कितना होता है, तो यहाँ पे मैं 6 दे रही हूँ। अभिनंदन, तमारो जवाब साचो छे।
तो इसने कहा है कि ये हमारा जवाब सही है। इसने हमें दूसरा क्वेश्चन पूछा है 3+3, तो यहाँ पे मैं इसका जवाब गलत दे रही है, जैसे कि 4। ओ, तमारो जवाब खोटो छे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि उसने कहा कि हमारा जवाब गलत है और सही जवाब हाईलाइट होके आ रहा था। तो इसमें क्या होता है कि इसमें हमें 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बाद में हम जब 10 क्वेश्चन दे देते हैं उसके बाद हमें उसमें मार्क्स मिल जाते हैं, तो स्टूडेंट को पता चल जाता है कि मुझे उसमें कितने मार्क्स मिले हैं। ये मेरी तीसरी गेम इंग्लिश की है, वो है स्पेलिंग गेम। तो यहाँ पे मैं क्रिएटेड इंफॉर्मेशन पे क्लिक कर रही हूँ। तो ये मेरी क्रिएटेड इंफॉर्मेशन है, यहाँ पे मैं एनिमल पर क्लिक कर रही हूँ। तो यहाँ पे जो स्पेलिंग यहाँ पे डॉग दिया हुआ है और उसकी स्पेलिंग यहाँ पे गलत दी हुई है, तो यहाँ पे मैं उसकी राइट स्पेलिंग लिख देती हूँ, जैसे कि DOG। तो ये कह रहा है कि हमारा जवाब सही है और मुझे एक स्कोर भी मिला हुआ है यहाँ पे। यहाँ पे दूसरा स्प्राइट है और उसकी कैट है यहाँ पे, उसकी स्पेलिंग गलत दी हुई है। तो यहाँ पे मैं उसकी स्पेलिंग एक बार गलत देती हूँ। तो ये कह रहा है कि हमारा आंसर गलत है और सही आंसर हाईलाइट होके आया था और मेरा 1 मार्क माइनस हो गया है। तो ये मेरा HTML और CSS से बना हुआ एक वेब पेज है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें कोड ड्रैग एंड ड्रॉप करने नहीं होते हैं, लेकिन इसमें हमें टाइप करना होता है। तो ये है मेरे HTML के कोड्स, ठीक है। तो इसका हम आउटपुट देखते हैं, तो मुझे इसका आउटपुट ऐसा मिला है। तो ये मैंने बनाए हुए है एक वेब पेज, जो एक सोलर सिस्टम का वेब पेज है और ये सोशल साइंस और साइंस सब्जेक्ट दोनों में आ सकता है। यहाँ पे मैंने सारे प्लैनेट्स के नाम दिया हुआ है और उसकी GIF ली हुई है, जैसे सारे स्टूडेंट को पता चल सके कि ये प्लैनेट का नाम है और इसके बारे में नीचे इसकी इंफॉर्मेशन दी हुई है। ऐसे मैंने सारे प्लैनेट्स ले लिए हैं जिसे ऑल स्टूडेंट्स उसे पता चल सके कि, और इसके बारे में नीचे इंफॉर्मेशन भी दी हुई है। और यहाँ पे मैंने एक स्क्रैच में एनिमेटेड स्टोरी भी बनाई हुई है। तो ये देख सकते हैं ऐसे हम स्क्रैच में एनिमेटेड स्टोरी बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने क्रो एंड फॉक्स की एनिमेटेड स्टोरी बनाई हुई है। ऐसे हम स्क्रैच में बहुत सारी एनिमेटेड स्टोरी। यह स्क्रैच सॉफ्टवेयर ओपन सोर्स है, जिसका मतलब है कि आपको इसके लिए भुगतान नहीं करना है और आप इसे मुफ्त में इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑनलाइन स्क्रैच में हमारे द्वारा बनाया गया कोई भी साहित्य माई स्टफ में स्वचालित रूप से सहेजा जाता है। स्क्रैच सॉफ्टवेयर में विकसित शैक्षिक गेम को कंप्यूटर, लैपटॉप या किसी भी स्मार्ट मोबाइल पर ऑफलाइन ऑनलाइन आसानी से खेली जा सकती है। स्क्रैच में बनाई गई गेम का उपयोग ये है कि बच्चों को गम्मत के साथ ज्ञान दिया जा सकता है, बच्चों को खेलते खेलते ज्ञान दिया जा सकता है, उसको मोबाइल तकनीक का उपयोग करना सीखते हैं, उनकी तार्किक और बौद्धिक शक्ति का विकास होता है। और जब नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार जब कक्षा 6 के छात्रों के लिए कोडिंग सीखने की बात आती है, तो यह भविष्य में उनके लिए बहुत उपयोगी साबित होती है। इसका खर्च है कि अगर आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर है तो इन सारी एजुकेशनल गेम को बनाने के लिए कोई कीमत नहीं है। स्क्रैच में शामिल कोडिंग के बारे में मेरे स्कूल में के अन्य छात्रों को इसके बारे में जानकारी दी है। 10 से अधिक शैक्षिक गेम तैयार किए गए हैं और छात्रों को व्हाट्सएप के साथ साथ अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से इनके बारे में समझ दिए गए वीडियो को छात्रों के लिए उपलब्ध कराए गए हैं। इसके अलावा सभी गेम इंटरनेट के बिना ऑफलाइन
खेली जा सके इस तरह तैयार किए गए हैं। सभी तैयार शिक्षक खेलों को के साथ साथ अन्य छात्रों और शिक्षकों को भेज दिया गया है और सभी का राय भी प्राप्त कर ली गई है। ये सभी शिक्षक डिजिटल गेम छात्रों को सीखने, दोहराने और सुदृढ़ करने के लिए बहुत उपयोगी है। मैंने जो स्क्रैच में गेम्स बनाए थे उसके नाम है शूट कोरोना गेम, रेसिंग गेम, कैलकुलेटर गेम, स्पेलिंग गेम, फिश गेम, स्नेक गेम, पिंग पोंग गेम, मैथ्स गेम, कैच गेम, मेज गेम, 1 to 20 गेम, जम गेम और स्टोरी। इसके अलावा मैंने HTML, CSS, Bootstrap, MIT App Inverted 2 के उपयोग से शैक्षिक वेब पेज और कई शैक्षिक क्विज और गेम भी तैयार की गई है। ये सारी गेम जो मैंने बनाई है वो मैंने अपने स्कूल के और दूसरे स्कूल के बच्चों को उसके इस गेम की ऑनलाइन समझ दी गई है और शिक्षकों को भी इस गेम को व्हाट्सएप और अन्य सोशल मीडिया पर भी शेयर की गई है। इसके तरह से डिजाइन किए गए एजुकेशनल गेम को मोबाइल, टैबलेट या लैपटॉप के ऑनलाइन ऑफलाइन आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है।